एक और औपचारिकता है जिसको हम फ्लो टेस्ट के तौर पर देखते हैं। आप अपने विधायकों को गैर हाजिर रखने और बिकने से रोक पाने में सामर्थ है? जी जी बिल्कुल हम सहमत हैं। हमारे पूरे विधायक हमारी जगह पे हैं, हमारे साथ में हैं। जीडीएस के भी विधायक सब साथ में हैं। कोई हमको कोई चीज की ऐसी आपत्ति नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने शपथ विधि लेके ये देश को दिखा दिया है कि अगर नंबरिंग नहीं भी है तो हम शपथ विधि ले सकते हैं। मगर हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी जैसे आज प्रोटेस्ट करने के लिए उतरी है, देश की जनता भी देख रही है, देश के संविधान पालने वाले भी लोग देख रहे हैं, न्यायालय भी देख रहा है, तो मैं समझता हूं कि इनके नंबरिंग कभी पूरे नहीं होंगे। और हमारे जितने भी विधायक हैं, सेकुलर विधायक है, वो एक भी विधायक इधर का उधर नहीं होगा। ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और देवी गौड़ा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और पूरी तरीके से बनेगी। चलिए, आपको पूरा भरोसा है कि आप सरकार आप लोग बनाएंगे और येदुरप्पा बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे? अवशी साहब, आप लोग बता दीजिए कि आपके पास तो विधायक 104 ही है, नहीं कर पाएंगे, सिद्ध कैसे करेंगे आप लोग बहुमत? संविधान की हत्या करने वाली कांग्रेस, जिसने कि 1975 में इमरजेंसी लगाया, संविधान को ताक पे रखा, 1982 में देवीलाल की सरकार को जो है बनने नहीं दिया, जीडी तबासे थे उस समय के राज्यपाल, 1988 में पी वेंकट सुब्बैया ने बम्बई को जो है नहीं बनने दिया, 1996 में कांग्रेस के राज्यपाल थे कृष्णपाल सिंह, उन्होंने सुरेश मेहता को गुजरात में नहीं बनने दिया, 1998 में रमेश भंडारी ने कल्याण सिंह की सरकार को हटा करके दो दिन के लिए कांग्रेस के जगदम्बिका पाल को बना दिया, 2005 में सिप्तारा जी ने बिहार में झारखंड में क्या किया, 2005 में बूटा सिंह जी ने बिहार में क्या, 2009 में राज ने इसी कर्नाटक में क्या किया। तो कांग्रेस से ही सीख रहे हैं क्या आप भी? कांग्रेस से ही सीख रहे हैं आप भी क्या? कांग्रेस जो करती आई क्या उसी को आप भी सीख रहे हैं? इमरजेंसी लगाई तब क्या हुआ था? और आज जो बात हुई है, आज जो बात शपथ दिलाई गई है संविधान के तहत दिलाई गई है, आपको याद होगा कि जस्टिस सरकारिया और जस्टिस पंची ने नहीं नहीं संविधान में कहीं भी नहीं है। पूर्व जो राजेश पार्टी आप कहते हैं, तो आप राजेश पार्टी यही नहीं, सबसे बड़ा राजेश पार्टी को बताइए, जीडीएस और कांग्रेस पार्टी राजेश पार्टी है, नंबरिंग पूरी हमारे पास है। आप जबरदस्ती पुरानी बातें निकाल के ये राजनीति है, राजनीति में कई अटकंडे चलते हैं, वो अटकंडे आज हम अपनाने जा रहे हैं, मगर आपको मैं बताता चलूं, राजशाही सुप्रीम कोर्ट करेगा, तो राजशाही के अंदर सुप्रीम कोर्ट संविधान को रोकने को कांग्रेस को बुलाना चाहिए था, किसके पक्ष में होगा ये तो फ्लोर पर पता चलता है, जनता ने क्या किया है वो तय कर चुकी है, लेकिन देखना होगा कि ये जो संविधान का हवाला देकर एक दूसरे के ग्रेवान में झांकने की कोशिश करते हैं, खुद पहले ग्रेवान में झांके कि आपने क्या किया है। धीरेन्द्र हमारे साथ